अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, यहाँ व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और भाई मैं जा रही हूँ नाश्ता करने बाहर। और भाई हुआ ये कि फजर पड़ी, फजर के बाद नींद नहीं आई, भूख लग रही थी, तो सोचा भाई नाश्ता बाहर कर लें क्योंकि गैस तो आ नहीं रही थी। तो फिर बाहर निकले और मुजम्मिल भाई चले गए थे स्कूल, तो मेरी फेवरेट जगह पे गए थे भाईजान, आयशा मंजिल पे है। वहाँ का हलवा पूरी मुझे बेहद पसंद है, वहाँ छोले का सालन बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो चले चलते हैं। हाँ जी, नाश्ता हमारा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे छोले का सालन यहाँ का इसलिए बहुत पसंद है कि यहाँ जो है ऐसा लगता है कि पाए का जो है ना वो सालन है, जैसे पाए वाला टेस्ट आता है इसके अंदर ना, तो उनकी तरी इस तरह की होती है या क्या डालते हैं वो लोग, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत पसंद है यहाँ का छोले का सालन। अच्छा जी, नाश्ता हम लोग ने कर लिया था, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। उसके बाद जो है मैंने सिर्फ दो पूरियाँ ही खाई थी और बहुत लजीज था। और आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा, अगर कहीं करीब में रहते हैं तो आयशा मंजिल पे भाईजान की हलवा पूरी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, नाश्ता करने के बाद भाई सोचा भाई अब क्या करना है। मुजम्मिल तो वो सुबह में बोलकर गया था मम्मा मेरे लिए तो मैक्रोनी बना दिएगा, तो फिर डिसाइड ये हुआ कि रात में हम खाएँगे गोभी मटर आलू की सब्ज़ी। सही है, बहुत दिन हो गए थे सब्ज़ी नहीं बनी थी, रमज़ानों में तो बिल्कुल चुटकम पुटकम खाना बनाए बहुत ही कम, तकरीबन 3-4 दफ़ा ही मुश्किल से पूरे महीने में बना होगा, खाया ही नहीं जाता था। तो बस ये है कि फिर हम निकले, हाँ चाय, हलवा पूरी के पास तो चाय मस्ट 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 है। अच्छा भाई, 2 किलो है ना वो गोभी दे, 1 किलो गोभी दे दें और प्याज दे दें 1 किलो और आलू दे दें 1 किलो, हरी मिर्चें, हरा धनिया और शिमला मिर्च दे दें, दो तीन डाल दिएगा। हाँ बस ये इतना ही चीज़ है, ठीक है। हाँ तो देख लिया मेरा सारा मेन्यू, देख लिया ऑर्डर मैंने क्या क्या कर दिया है। अच्छा, तो बहरहाल सब्ज़ियाँ लेकर फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आके थोड़ा सा आराम किया, आराम करने के बाद मैं खड़ी हो गई मैक्रोनी बनाने के लिए, मुजम्मिल भाई आने वाले थे। अच्छा जी, मैक्रोनी जो है वो मैंने बनाई थी फुल सॉस वाली और क्रीमी, क्रीमी यूँ कि क्रीम नहीं डालती मैं, लेकिन मैं लास्ट में केचप और मायो डालती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपी शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है सिर्फ 3 सब्ज़ियाँ मुजम्मिल खाता है, कॉर्न, गाजर और शिमला मिर्च, और चिकन मैंने एक रात पहले बॉईल करके रख ली थी, ठीक है। ये सब फ्रीज़र की है सिर्फ शिमला मिर्च के अलावा, शिमला मिर्च मैं आपके सामने अभी अभी आपने क्लिप देख ली, मैं अभी लेकर आई थी। तो एक बड़ी शिमला मिर्च मैंने छोटी सी काट ली थी, थोड़ी सी मैंने गाजर, थोड़े से कॉर्न और बॉयल की हुई क्या कहते हैं श्रेड की हुई चिकन थी, ठीक है। सॉस डाला था, सोया सॉस डाला था 1.5 टेबल स्पून, चिली सॉस डाला था 1 टेबल स्पून, ठीक है। नमक और चिकन क्यूब और काली मिर्च, एक चिकन क्यूब डाली मैंने,
थोड़ा सा नमक डाला था और हसबे ज़ायका आप अपने हिसाब से चख लीजिएगा। और काली मिर्च डाली थी 1.5 टीस्पून तकरीबन, या थोड़ी सी ज़्यादा बात में मैंने कर दी थी क्योंकि जो है ना वो ज़ायका आ नहीं रहा था तेज़ी का। और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी 1 टीस्पून, ठीक है, ये मैंने हाथ से डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून ही डाली है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद इसको मैंने कवर करके रख दिया था, ठीक है, ताकि सारी सब्ज़ियाँ गल जाए, क्योंकि बॉयल की हुई थी वो तो चिकन तो थी, उसको तो गलने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैक्रोनी बॉयल हो गई, उसको छान लिया, पानी उसका वो कर लिया, ड्रेन कर लिया, उसके बाद ये सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स कर दी, बॉयल मैक्रोनी और हमारा जो बैटर था सब्ज़ियों का। काली मिर्च डाली 1 टीस्पून ऊपर से, 1 टीस्पून नमक डाला और चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून डाला था मैंने ऊपर से। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद उसके बाद आखिर में मैंने डाला था केचप और मायो, ठीक है, ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये वीडियो मुजम्मिल बना रहा है स्कूल से आके, टेढ़ी मेढ़ी बस इसी तरह का बनाता है। फिर उसके बाद स्टैंड ले लिया था मैंने, वो नमाज़ के लिए, फिर वो खड़ा हो गया था तो फिर मैंने स्टैंड ले लिया था। अच्छा जी, मायोनीज डालेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। इसी तरह चिली गार्लिक, केचप डाला था मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, ठीक है। बहुत ज़्यादा खट्टा मत कर दिएगा केचप डाल के, थोड़ा सा डालिएगा, चख लीजिएगा, उसके बाद और चाहिए होगा तो और आप मज़ीद डाल दिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी क्रीमी सी मज़ेदार, हैवी होती है थोड़ी और बहुत मज़े की होती है। अच्छा, एक दफ़ा इस तरह बना के ट्राई बहुत ज़रूर करिएगा। अच्छा, ट्रैफिक का थोड़ा सा शोर हो रहा होगा क्योंकि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ और वो है रोड की तरफ, तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी, अब हो गई है रात। रात में बनेगी क्या बनेगा भाई, हमारा मटर गोभी आलू, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है। अच्छा, ऑयल जो है वो मैंने गरम किया, गरम करके 1 टीस्पून जो है ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद 2 दरमियानी प्याज बारीक काट के डाल दी, सालन वाली, उसको जो है हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, मिक्स कर लिया। उसके बाद 2 मैं हरी मिर्चें डालूंगी बारीक वाली, ये लंबी वाली है, अगर छोटी हैं तो 3 डाल दीजिए, सही है, वो काट के डाल दी। लेकिन पहले ना थोड़ा सा जो है ना 2-3 मिनट उसको छोड़िएगा प्याज को, प्याज के साथ मत डाल दिएगा, सही है, उसके बाद थोड़ा सा 2-4 मिनट बाद डालिएगा। अच्छा, मसालों की तरफ आ जाते हैं। टमाटर मैंने लिए थे 2 दरमियाने, 1 टेबल स्पून लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक लिया था हसबे ज़ायका 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून लिया था कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है वो मिर्चें डालिएगा, आपके घर में कितना पसंद करते हैं, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ हल्दी थोड़ी सी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, पीसी हुई लाल मिर्चें, नमक, अदरक लहसुन, इसका इस्तेमाल करती हूँ बस मसालों में। अच्छा, गोभी मैंने जो है काट के, देखें ये मोटी मोटी काट ली थी, हमारे घर में बिल्कुल कुटी हुई गोभी नहीं खाई जाती है, आपके घर में जिस तरह की खाई जाती है, आप ज़्यादा पका लिएगा तो ये गुट जाएगी। मटर और आलू और गोभी जो है वो मसाले में डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हमारे घर में जो है खड़ी खड़ी गोभी जो है ना वो पसंद की जाती है, गुटी भी नहीं पसंद की जाती, ठीक है। इसको मैंने ढक के रख लिया, गोभी का पानी निकला, मटर आलू सब सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा, तो ये अपने ही पानी में ये गल गई थी, मैंने ऊपर से पानी ऐड नहीं किया था। हल्की दरमियानी आँच रखिएगा और कवर करके रख लिएगा तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट बाद जब मैंने ये खोला, मिक्स किया, अपना ढक्कन खोला, कवर उसका, लिड खोला, मिक्स किया, अच्छी तरीके से मसाला चख लिया, बिल्कुल ओके था, ज़बरदस्त था। और फिर उसके बाद धनिया डाल दिया था, आप ये देख रहे हैं धनिया डालने के बाद डिश का बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है, डिश की लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाती है और बहुत मज़े का बनी थी ये, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा जी, ये देखें, अब अपने व्लॉग को मैं यहीं जो है वो एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा, फ़र्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। चलिए जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।